बच्चों, अभी आपकी फर्स्ट बुक पूरी कंप्लीट हुई है और अब आपकी हम इसमें सेकंड बुक आज से स्टार्ट करेंगे। उसका पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स। इंटीग्रल क्या है बच्चों? जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो आप यही कह सकते हैं, द रिवर्स प्रोसेस, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल, इफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, सपोज स्मॉल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? कैपिटल एफ एक्स, देन ये साइन इंटीग्रेशन का है। इसे क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन किसका? इस एफ एक्स का, किसके रेस्पेक्ट? एक्स के रेस्पेक्ट, डी एक्स मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ये एफ एक्स होगा प्लस कोई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, वेयर सी इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस सिंबल सिंबल इज स्टैंड फॉर इंटीग्रल। इसे क्या कहते हैं? इंटीग्रल कहते हैं। और डीएक्स को क्या कहेंगे? स्टैंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और इसे क्या कहेंगे जिसका इंटीग्रल हमने किया? इसे कहेंगे इंटीग्रांड एफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रांड। इंटीग्रांड और इसका एफ एक्स का इंटीग्रेशन ये है तो इसे क्या कहेंगे? इसका एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। एफ एक्स प्लस सी, दिस एफ एक्स प्लस सी इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। और प्रिमिटिव इसका दूसरा नाम है ऑफ कैपिटल एफ एक्स। ठीक है बच्चों, अगर स्मॉल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स है तो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? स्मॉल एफ एक्स, साथ में एक कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो, आप पुराने अपने फार्मूले पर आ जाओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पढ़ा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कोस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स विल बी साइन एक्स प्लस सी। ऐसी सारे फार्मूले आपके रिवर्स हो जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या था बच्चों? माइनस साइन एक्स। तो अब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कहो या साइन एक्स का? साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट माइनस कोस एक्स प्लस सी। जैसे आपने पढ़ा डी अपॉन डी एक्स ओ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन था सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स विल बी टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। जैसे आपने पढ़ा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोट एक्स, कोटेक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा बच्चों माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू
minus 4x plus c. d upon dx of sec x, ये आपने पढ़ा कितना, sec x tan x. इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x विद रेस्पेक्ट टू x विल बी sec x प्लस c. आपने पढ़ा d upon dx ऑफ cosec x कितना था, माइनस cosec x cot x. इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x विद रेस्पेक्ट टू x विल बी माइनस cosec x प्लस c. जैसे आपने पढ़ा d upon dx ऑफ x की पावर n कितना था, n x टू दी पावर n माइनस 1. इसी फार्मूले को इस फॉर्म में मैं लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. आप कहेंगे सर इससे ही आता नहीं, आता है देखो, आप n की जगह n प्लस 1 पूरे में पुटअप करो तो ये x की n प्लस 1 होगा, ये x की n हो जाएगा और ये n प्लस 1 हो जाएगा. अब आप x की n का इंटीग्रेशन करके देखोगे तो ये आएगा, ठीक है. अभी आप देखिए और फार्मूले हैं कुछ. देखो जैसे आपने पढ़ा था बच्चों, d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x कितना था, e टू दी पावर x था. तो इसका इंटीग्रेशन भी ऐसे ही, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, e टू दी पावर x प्लस c. जैसे आपने पढ़ा d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, इसका बेस e है, कितना था, 1 अपॉन x. तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन नेचुरली क्या होगा, log x बेस e प्लस c. जैसे आपने पढ़ा d अपॉन डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x कितना था, a टू दी पावर x log a बेस e. सो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx विल बी a टू दी पावर x अपॉन log a प्लस c. और कोई जैसे d अपॉन डी एक्स ओ लोग बेस ए एक्स क्या था, 1 अपॉन x लोग e बेस ए. सो इंटीग्रेशन ओ, ठीक है बच्चों. देखो अब इससे तो 1 अपॉन x का ही फार्मूला आएगा और 1 अपॉन x के लिए हमारे पास फार्मूला ये रहा, कितना, log x, ठीक है. और क्या आ सकते हैं आपके पास, जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ मान लीजिए k एफ एक्स, k कोई कॉन्स्टेंट है, एफ एक्स एक्स का फंक्शन है, तो आप कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे और क्या करते थे, d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स. अब ये इंटीग्रेशन में देखिए, इंटीग्रेशन k एफ एक्स बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, k बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स. और छोटे छोटे फार्मूले हैं जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, और माइनस भी हो सकता है. तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स अलग कर दीजिए, प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, दोनों का अलग अलग. एक ऐसा हो सकता है फार्मूला इंटीग्रेशन के वन एफ एक्स मान लो और के टू जी एक्स, दो फंक्शन है, दोनों के साथ कॉन्स्टेंट है डी एक्स. तो आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, के वन बाहर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, प्लस के टू बाहर इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ठीक है. बाकी कोई नया फार्मूला आएगा तो हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे. एक और देख लीजिए, इसमें इंटीग्रेशन डी एक्स, खाली डी एक्स यानी कि यहाँ वन हो तो कितना होगा, एक्स प्लस सी. अगर कभी जीरो हो तो जीरो का इंटीग्रेशन आप क्या, जीरो ही होगा, प्लस सी करोगे तो कॉन्स्टेंट सी आ सकता है, ठीक है. इस तरह से ये सारे फार्मूले मैंने आपको बताए, आप इन्हें जरूर याद करेंगे, इन्हें याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप इनसे इन्हें किससे को रिलेट करेंगे, डिफरेंशिएशन से. तो डिफरेंशिएशन के रिवर्स सारे क्या होंगे, इंटीग्रेशन के फार्मूले होंगे. आप वो पूरे देख लेंगे, उसके बाद मैं आगे के क्वेश्चन आपको बताता हूँ. अब बच्चों किसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हाउ इज द इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए,
d upon dx of sine 2x. sine 2x का डिफरेंशिएशन आप करिए तो वो कितना आता है बच्चों, 2 cos 2x, जानते हैं। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1 by 2 d upon dx of sine 2x is equal to cos 2x, ठीक है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि d by dx of sine 2x upon 2, 1 by 2 मैं अंदर कर सकता हूँ, इसके कॉन्स्टेंट है तो cos 2x। तो अब अपनी डेफिनेशन से आप देखो, इंटीग्रेशन cos 2x कितना होगा, sin 2x अपॉन 2 प्लस c। अब आप याद करो, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो ये 2 कहाँ आता था, मल्टीप्लाई में, अभी वो कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, ठीक है। बाद में तो और फार्मूले भी आ जाएंगे, पर यहाँ इसे डायरेक्टली आप इसकी डेफिनेशन से अगर देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो आपने पहले ये सोचना पड़ेगा कि इसमें cos 3x किसका डिफरेंशिएशन है, cos किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin का। तो आप सोचिए कि d upon dx of sin 3x, हाउ मच, 3 cos 3x। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, d upon dx हो sin 3x upon 3 equal to cos 3x। अब हमसे पूछा क्या cos 3x का इंटीग्रेशन, तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डेफिनेशन से, sin 3x upon 3 plus c, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन और मैं इसमें पूछ लेता हूँ, सपोज आपको बताया, इंटीग्रेशन आपसे पूछ लिया ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स, अब आप कैसे करेंगे, तो आप सोचिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, क्यूब का, किसका डिफरेंशिएशन होगा, क्यूब का, क्योंकि एक्स की एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो अगर मैं आपसे ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एक्स पूछता बच्चों किसका, ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, तो आप क्या बताते, 3 इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए, यही बताते। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ओ ए एक्स प्लस बी होल क्यूब अपॉन 3 ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब आप अपने डेफिनेशन से बता सकते हैं, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब अपॉन 3 ए प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। इस तरह से हमें जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको डेफिनेशन का यूज़ करते हुए ये क्वेश्चंस करने हैं। पहला आप ये देखेंगे कि वो किसका डिफरेंशियल है, फिर इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। तो आज आपका काम होगा फार्मूले याद करना, मेन काम है फार्मूले याद करना, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काम करेंगे।